है, यहाँ पे सोल्विंग टू साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। याद है स्टूडेंट, अभी तक हमने तीन मेथड डिस्कस कर लिए। अगर आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, तो वहां पे उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के तीन मेथड डिस्कस कर चुके। पहला वाला मेथड क्या था आपका, एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन। दूसरा मेथड क्या था, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एंड तीसरे मेथड में हमने बात करी थी एडिंग द गिवन टू इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्टिंग वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर। तो आज हम फोर्थ मेथड की बात कर रहे हैं, ग्राफ की हेल्प से हम क्या है गिवन जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते। ठीक है, सबको समझ में आया आज का टॉपिक, बताइए। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्टिव भी यही है, मतलब ये क्लास अटेंड करके आप क्या सीखने वाले हैं, तो ये क्लास अटेंड करके आप स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन रहेगी, हिंदी में बोले तो अगर आपके पास दो समीकरण दिया हुआ है तो उसका हल आप क्या है यहाँ पे ग्राफ की मदद से आप निकाल पाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज के लेक्चर में आप स्टूडेंट अटेंड करने के बाद आप कोई भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी रहेगी तो उसका सॉल्यूशन आप ग्राफ की हेल्प से निकाल पाओगे। ठीक है, सबको समझ में आया, आप यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नो मैम, ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो हम नो आगे। मैम, ओके नो स्टूडेंट, तो मैम, ये क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर पाओगे, उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो पहले तो हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड आपको समझ में आए, मतलब ग्राफ की हेल्प से हम करने वाले स्टूडेंट, मतलब उसका हम डायग्राम बनाने वाले। तो अभी आपके पास इक्वेशन दी रहेगी ना, उसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, या आप चाहे तो इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे टेंशन मत लीजिए, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी मैं बता देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास जो पॉइंट की बात करें तो बिंदु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास हिंदी में प्लेन को तल बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले तो बात करेंगे कि अगर आपके पास कुछ पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप। ठीक है एवरीवन, तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो अगर हम कोई भी पॉइंट को कंसिडर करते हैं और प्लेन की बात करें, जिसको हिंदी में अगर आप सिंपल भाषा में बोलना चाहें स्टूडेंट, जिसको हिंदी में आप तल बोल रहे हैं ना, तो होता क्या है एवरीवन, सबको पता है क्या होता है, प्लेन एक फ्लैट सरफेस होता है। हिंदी इंग्लिश मीडियम के बच्चे याद है आपको, जैसे आपने पेपर देखा होगा ए फोर साइज का, आपके टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में पेपर रहेगा, देखा है ना आपने। यस मैम, यस मैम, एक फ्लैट सरफेस है एकदम, आपको पता है यस दो डायमेंशन वाला होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, पहले तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर एक कोई प्लेन में मैं बात करूं तो पॉइंट अगर उसको मुझे दिखाना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे थियरी में लिखा हो मैं आपको दिखाने भी वाली हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। तो थियरी में जो लिखा है वो एक बार बता देती हूँ आपको। तो अगर हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं प्लेन में, ठीक है, हिंदी में जिसको आप तल बोल रहे हैं स्टूडेंट, और पॉइंट को हिंदी में हम बोल रहे हैं बिंदु। ठीक है, तो हम उसका लोकेशन मतलब कैसे लोकेट करेंगे कि वो कहाँ पे है आप एग्जैक्टली। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई पॉइंट दिया रहेगा स्टूडेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलने वाले, या कुछ बच्चे यहाँ पे एक्स वाई प्लेन भी यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो वो डिस्टेंस बताता है कि वो पॉइंट का डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से। अभी बच्चे बोलेंगे मैम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो भी थियरी लिखा है मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे। एवरीवन समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं एक बार डायग्राम बना के दिखाती हूँ यहाँ पे। तो क्या करने वाले स्टूडेंट, आपने भी पढ़ा होगा यहाँ पे, एक सेकंड में यहाँ पे एक पेज ऐड करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। एक बार बताइए, दिख रहा है आपको पेज यहाँ पे, जैसे आपने ग्राफ पेपर में देखा होगा यस वैसे मैम, पेज यस मैंने यहाँ मैम, पे लिया है। ओके, ठीक है, तो स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं कि अगर आपको कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं दो लाइन लेते हैं। ठीक है, वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो एक यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस हम बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ, एक सेकेंड। तो आपको पता है ग्राफ पेपर आपने सबने देखा होगा। ठीक है, वन सेकेंड, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ स्टूडेंट, एंड आप लोग बताइए आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एकदम प्रॉपर बनाने का ट्राई करती हूँ, देखते कैसा दिखता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे एक मैंने क्या किया वर्टिकल लाइन, ठीक है, लाइन खींची है, ऐसा ही मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने वाली हूँ, दिख रहा है स्टूडेंट बताइए आपको। यस मैम, वेरी गुड, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो बेसिकली क्या किया आपको पता चल रहा है, यहाँ पे जैसे हम प्लेन की बात कर रहे हैं ना, फ्लैट सरफेस जैसे आपने पेपर भी देखा होगा, ठीक है, दो डायमेंशन वाला होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई भी पॉइंट का लोकेशन बताना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे मैं नाम लिख के दिखा रही हूँ, एक्स दिख रहा है आपको।
स्टूडेंट ये जो जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन जहाँ पे मीट करते हैं, जहाँ पे मिलते हैं, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0.0। हिंदी मीडियम के बच्चे इस कंफ्यूज मत होइएगा, जो एक्स एक्सिस है आप उसको हिंदी में एक्स अक्ष बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो ओरिजिन है, ठीक है, जिसको हिंदी में आप मूल बिंदु बोल रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं यहाँ पे, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 0.0, ठीक है। एंड ये होता क्या है वो अभी भी मैं आपको बताने वाली हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जो ओ एक्स आपको दिख रही है ना, तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव वैल्यू आती है, मतलब यहाँ पे मैं अभी वापस से दिखाने वाली हूँ, यहाँ पे मैं एक्स डैश लिख रही हूँ, यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई डैश, सबको दिख रहा है बताइए। यस मैम, यस। तो स्टूडेंट ये व्हाइट कलर आपके सामने बना रही हूँ मैं, तो ध्यान दीजिए, तो ये जो हमने बनाया ना स्टूडेंट, तो ये जो बेसिकली आप क्या कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो यहाँ पे कुछ बच्चे इसको ऐसा भी बोल सकते हैं एक्स वाई प्लेन, या हम एक फ्लैट सरफेस है बेसिकली, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, कोई भी पॉइंट रहता है, तो यहाँ पे जैसे रेंडमली मैं पॉइंट ले रही हूँ पी, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट को कुछ ऐसा लिखते हैं स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई अगर मैंने बोला है, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो मैं रेंडमली अभी दिखा रही हूँ, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया कोई पॉइंट, आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, और इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करूँ एक्स कॉमा वाई है, तो इसका मतलब क्या है, जो पहले वाला दिख रहा है ना, एक सेकंड रेड कलर से दिखाती हूँ, ये जो मैंने लिखा है स्मॉल एक्स, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। एवरीवन समझ में आ रहा है? यस मैम। और ये जो दूसरा वाला जो लिया है मैंने यहाँ पे, आप चाहे तो नंबर ले लीजिए, तो ये जो वाई जो मैंने लिखा है स्मॉल वाई, इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है देखिए, यहाँ पे मैं वापस से यहाँ पे दिखा दूँ, एक सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं रेंडमली कोई पॉइंट लिया आपको, अभी मैं दिखाने भी वाली हूँ कि कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे मैं पॉइंट बताया पी है, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एक्स कॉमा वाई लिखा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, जो पॉइंट है ना, और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यूज किया है नॉर्मल वाला, फिर एक्स कॉमा वाई, तो बेसिकली ये ऑर्डर्ड पेयर है आपका, मतलब जैसे आपने रिप्रेजेंट किया है, जिस ऑर्डर में आपने लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे अगर मैं जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ 1.2, इसका मतलब है ये ऑर्डर्ड पेयर है, और यहाँ पे बेसिकली हम बात करें कोई पॉइंट की, तो यहाँ पे जो मैंने जो पहले लिखा है वो पहला एलिमेंट आप बोल सकते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, जो दूसरा मैंने लिखा है वाई, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है। और ये दिखाता क्या है बेसिकली, ये आपका डिस्टेंस दिखाता है, जो एक्सिस आपने बनाई, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दो लाइन आपने ड्रॉ करी थी, ठीक है, आप बोल सकते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली हो क्या रहा है अभी, ये जिस प्लेन की मैं बात करूँ ये चार बराबर हिस्सों में बट गया है, ठीक है स्टूडेंट। इंग्लिश मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे, आई थिंक आपने ऑलरेडी पढ़ा है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि आपने दो परपेंडिकुलर लाइन जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है वो आपने लाइन ली थी, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या होने वाला है, ओके स्टूडेंट यहाँ पे जैसे मैं पॉइंट की बात करी, यहाँ पे जो पी मैंने दिखाया है, तो बेसिकली क्या बता रहा है, ओके यहाँ पे मैं आपको दूसरा कलर से दिखाती हूँ, ओके ब्लैक से देखिए, तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है, एवरीवन समझ में आ रहा है आपको, प्लीज बताइए। तो यहाँ से ओके, अभी मैं रिप्रेजेंट करना भी आपको दिखाने वाली हूँ, ओके स्टूडेंट यहाँ पे, थैंक यू कंफर्मेशन के लिए स्टूडेंट यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपको बात की जाए कि पॉइंट को प्लॉट करना है, मैं हिंदी में बात करी तो बिंदु को आपको दर्शाना है कहाँ पे, निर्देशांक यहाँ पे जिसको आप बोल रहे हो ना ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंग्लिश में हम बोल रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो एक प्लेन लिया हुआ है, और यहाँ पे जो प्लेन पे हम नंबरिंग कैसे करते वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ बेसिकली, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो पॉइंट जैसे मैंने बताया एक्स कॉमा वाई, अगर उसके कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस बता रहे हैं आपके, जो ये कोऑर्डिनेट की बात करें ना आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, लेकिन कौन सा डिस्टेंस आपका, देखिए ये जो पॉइंट है एवरीवन, तो इसका मतलब होता क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास एक्स रहेगा और यहाँ पे आपके पास वाई रहेगा, मतलब अगर आपने कोई पॉइंट लिखे हैं और उसके कोऑर्डिनेट अगर आपने बताया स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई, इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, वो पॉइंट का एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ से डिस्टेंस कितना हो रहा है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ से डिस्टेंस आपको मिल रहा है वाई, एवरीवन देखिए समझ में आप, यस मैम, कलर यूज करती ग्रीन वाला, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे, एवरीवन वाई यूनिट, यूनिट यहाँ पे बता रहे, क्योंकि डिस्टेंस आपको पता है पॉजिटिव हम लेते हैं, धनात्मक हम लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर सेम पॉइंट जिसको मैंने लिखा है पी से, उसका अगर मैं पूछूं वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो कितना बताएंगे आप लोग, कितना ही बताएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब का अगर आपको बताना है y एक्सिस से डिस्टेंस, तो स्टूडेंट कितना बताएंगे, ये पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस है स्टूडेंट x यूनिट,
समझ में आया? प्लीज बताइए। यस मैम। स्टूडेंट वो जो थियरी मैं आपको दिखा रही थी एक बार वापस से दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। और यहाँ पे ध्यान दीजिए नंबर कैसे करते हैं। अभी पॉइंट को अगर आपको प्लॉट करना रहेगा जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा उसको मैं इरेज कर देती हूँ एक सेकेंड। ये जो मैंने लिखा है वन सेकेंड। एंड स्टूडेंट यहाँ पे जैसे आपने नॉर्मली नंबर सिस्टम पे सीखा था ना कि नंबर सिस्टम पे आप नंबर एक लाइन लेते हैं ठीक है, तो वहां पे आप नंबरिंग कैसे करते थे, आप नेचुरल नंबर दिखाते थे 1 2 3 4 5 ऐसा करते थे। सेम यहाँ पे ऐसे ही करने वाले हम। एक सेकेंड जो मैंने अभी लिखा था वो सब मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है आपको, वन सेकेंड ओके यहाँ तक हो गया अपना। तो ये थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपको कोई पॉइंट दिखाना है तो ध्यान दीजिए पॉइंट को हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर से दिखा रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कुछ ऐसा, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 को हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, 2 यहाँ पे है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझ में आया? प्लीज बताइए। यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे ओके तो मुझे लगता है आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपके लिए बता रही थी। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपको कोई भी पॉइंट कोई भी बिंदु को कोई प्लेन में दिखाना है, और ये प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, तो कैसे करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे ये देखो। मैंने पहले तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है। आपको पता है यहाँ पे जो नीचे वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल स्टूडेंट इसको आप बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन है इसको आप बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्किंग कर देती हूँ नंबरिंग कैसे करते हैं। जैसे आप नंबर लाइन पे करते थे ना स्टूडेंट 1 2 3 वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे ओरिजिन से लेके अगर आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो यहाँ पे जो आप नंबर लिखेंगे वो पॉजिटिव वाले नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 और इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करती हूँ और यहाँ पे मार्क करके दिखाती हूँ। आप यहाँ पे 1 लिखेंगे आप, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और आगे डॉट 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 आप यहाँ पे लिखेंगे। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? इक्वल इंटरवल पे यहाँ पे आप नेचुरल नंबर डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। स्टूडेंट अगर आप ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम जिसको बोल रहे हैं एक्स एक्सिस, अगर यहाँ पे ओ से लेफ्ट डायरेक्शन में जाओगे आप लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आप जो लिखेंगे ओके यहाँ पे मैंने पहले ओ लिखा हुआ है ये हटा देती हूँ मैं, वन सेकेंड ओके पूरा इरेज हो गया ओके ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे तो स्टूडेंट अगर आप ये जो पॉइंट ओ जो मैंने बताया था यहाँ पे जहाँ पे आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों ही मीट हो रहा था, तो वहां से अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर आप लिखोगे। मतलब यहाँ पे -1 लिखेंगे, -2 -3 -4 -5 ऐसा इक्वल आप डिस्टेंस पे यहाँ पे मार्क करने वाले। किसी को कोई डाउट है बताइए, दिख रहा है सबको? यस मैम। वैसे स्टूडेंट ये कीजिए यस मैम। एंड स्टूडेंट यहाँ पे जिसकी मैं क्वाड्रेंट की बात करी तो क्वाड्रेंट सबको समझ में, हिंदी में जिसको चतुर्थांश यहाँ पे आप बोल रहे हैं शायद से, तो यहाँ पे देखो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट, चौथा हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता था एक आपके पास फ्लैट सरफेस था, प्लेन था। ठीक है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या कर रहे हैं, चार बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। तो ये जो पहला वाला मार्क किया है ये स्टूडेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ में आया? प्लीज बताइए। हिंदी मीडियम के बच्चे, मैं एक बार हिंदी में भी बता देती हूँ इसको। आप क्या बोल रहे हैं? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे yes, ध्यान दीजिए, और प्लीज एक बार ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लिया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपका जो पॉइंट है उसका यहाँ पे आप बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे पॉजिटिव मिलने वाला है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव मिलने वाला है। वेरी गुड स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी ध्यान दीजिए जो वाई एक्सिस है उस पर नंबर कैसे आप मार्क करेंगे। ठीक है, तो वो मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे ब्लैक कलर यूज करती हूँ। यहाँ पे नंबरिंग देखिए, अगर ओ से ऊपर की डायरेक्शन में आप जाओगे वर्टिकल लाइन पे तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगी 1 2 3 4 आप इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करना है। यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट ये जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस पे ओ से नीचे की डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको नेगेटिव नंबर मतलब -1 -2 -3 -4 समझ में आया? यहाँ पे -5 आगे भी आप कंटिन्यू करेंगे। सबको दिख रहा है बताइए? एवरीवन
वेरी गुड। तो स्टूडेंट अभी ऑब्जर्व किया है मैंने, थोड़ा अच्छे से नहीं ड्रॉ किया है लेकिन आपके लिए समझाने के लिए बताइए। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर कोई पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई पॉइंट एक्स यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। ठीक है, अगर कोई पॉइंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आ रहा है, अभी लोकेट कैसे करेंगे वो वापस से मैं दिखा देती हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अगर स्टूडेंट सपोज आपको पॉइंट दिखाना है जिसके कोऑर्डिनेट है, जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया 1,2। ठीक है, तो इसको मतलब कैसे लोकेट करना, कैसे दिखाओगे, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, आपको यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओरिजिन से पहले तो आप यहाँ पे जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है, जिसको हिंदी में एक्स अक्ष आप बोल रहे स्टूडेंट, वहां पे आप कितना दूरी चलोगे, 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो आपको मिलेगा 1, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये मिलेगा 1। एक डिस्टेंस अगर आपने चला है एक्स एक्सिस पे तो आपको ये मिलेगा 1। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, जो मैंने रेड कलर से दिखाया स्टूडेंट। अभी आपको कौन सा पॉइंट दिखाना था जिसके कोऑर्डिनेट थे 1,2। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट क्या करना है आपको, अभी ऊपर के डायरेक्शन में आपको 2 यूनिट बढ़ना है, ऊपर चढ़ना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो आपको यहाँ पे देखिए, पहले तो आपने क्या किया, एक्स एक्सिस पे एक यूनिट आपने डिस्टेंस कवर किया, हिंदी में बोले तो एक यूनिट का आपने यहाँ पे दूरी तय किया है, उसके बाद आप ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट बेसिकली यहाँ पे मिलेगा, मैं रेड कलर से मार्क कर देती हूँ, तो ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है आपका 1,2। समझ में आया स्टूडेंट एवरीवन? वेरी गुड। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूँ कोई पॉइंट, जैसे ये वाले एग्जांपल में हमने 1,2 लिया है, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि क्या किया है आपने, पहले तो एक्स एक्सिस पे आपने कितना यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है, उसके बाद आपने अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस की तरफ यहाँ पे क्या है 2 यूनिट डिस्टेंस कवर किया है, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा। तो मतलब अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है आप उसको लोकेट कर सकते। ठीक है, अभी स्टूडेंट यही पॉइंट की बात करें तो इसका डिस्टेंस देखिए, अगर मैं बात करूँ ये पॉइंट है 1,2 जिसके कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट है 2, अगर मैं इसका डिस्टेंस पूछूं, ठीक है, किससे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, बता पाओगे आप लोग, बताइए एवरीवन, ऑब्जर्व कीजिए, ये पॉइंट है इसका अगर मैं बात करूँ एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया, 2 यूनिट एवरीवन? यस मैम, तो कितना हो गया आपका, पता चल रहा है आपको यहाँ पे, देखिए मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूँ, ये इतना डिस्टेंस। ठीक है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस आपका ये जो गिवन पॉइंट है इसका कितना हो गया है एवरीवन, वाई एक्सिस, मतलब यहाँ पे क्या समझ में आया आपको स्टूडेंट, मतलब ये हो गया अगर आपके पास कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा है x,y, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे x है और y कोऑर्डिनेट मैंने y लिया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली क्या समझ में आया, यहाँ से देख लीजिए जो एग्जांपल दिया था जहाँ पे कोऑर्डिनेट मैंने 1,2 लिया, इसको आप ऑर्डर पेयर भी बोल सकते हो। ठीक है, ऑर्डर पेयर 1,2। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 है आपको बेसिकली ये पता चला कि कोई पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट दिया होता है वो क्या बताता है, कोई पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बेसिकली आपको डिस्टेंस बता रहा है वो पॉइंट का कहाँ से, y एक्सिस से। समझ में आया, देख लीजिए, क्योंकि आपने जो पॉइंट लिया था जिसके कोऑर्डिनेट थे 1,2, तो 1 यहाँ पे स्टूडेंट आपका वाई एक्सिस से वो पॉइंट का डिस्टेंस बता रहा था। समझ में आया? यस मैम, यस मैम। ठीक है, और अगर यहाँ पे जो था 2, हाँ, और 2 यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है तो 2 आप यहाँ पे बता रहे वो पॉइंट का क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो अगर कोई पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा है आपका, ठीक है, स्मॉल एक्स यहाँ पे जो है, अगर कोई पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये बेसिकली क्या बता रहे हैं, वो पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए इसमें। नो मैम, वेरी गुड। तो स्टूडेंट यही चीज मैं आपको थियरी में एक बार दिखा देती हूँ, सेम चीज यहाँ पे थियरी में लिखा हुआ था, तो यहाँ पे देखिए एवरीवन, ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया, सेम चीज यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम निकाल सकते हैं, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो ईच पॉइंट इन प्लेन रिप्रेजेंट द डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सिस, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सो ईच पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए लिख के दिखाया ये, तो बेसिकली ये पॉइंट आपका ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में अगर आप लिख रहे हो यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है, 2 यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है?
नो मैम. वेरी गुड. ठीक है और स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप पॉइंट ले रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा. ये चीज यहाँ पे लिखा है देखिए इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट को, वन सेकंड में यहाँ पे आपको बता भी देती हूँ हिंदी में हम यहाँ पे जो यहाँ पे हिंदी में हम उसको स्टूडेंट चतुर्थांश आप बोल रहे शायद से चतुर्थांश. ठीक है क्वाड्रेंट की बात की जाए क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो एक प्लेन को चार बराबर हिस्सों में बांट रही है. ठीक है इसलिए हम उनको क्वाड्रेंट बोल रहे हैं. एवरीवन किसी को डाउट है तो बता दीजिए. No, ma'am. ये थियरी लिखा हुआ है स्टूडेंट आपको समझाने के लिए मैं वापिस से जो डायग्राम मैंने बनाया था वो वापिस से दिखा देती हूँ थोड़ा जूम करके. तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली है जिसको हमने एक्स एक्सिस बोला है, एक वर्टिकल लाइन ली है जिसको वाई एक्सिस बोला है. ये दोनों कहाँ पे मीट कर रही है? ठीक है जिस पॉइंट पे मीट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट आपको मिल रहे 0.0. ठीक है एवरीवन. वेरी गुड स्टूडेंट यहाँ पे और ध्यान दीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव मिलेंगे कोई पॉइंट के. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा स्टूडेंट आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, तो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आपको पॉजिटिव मिलेगा और एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे निगेटिव मिलेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओ से अगर आप लेफ्ट साइड में जा रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो स्टूडेंट यहाँ पे निगेटिव नंबर आपको दिख रहे हैं. ठीक है तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव मिलेगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में देख लीजिए क्या हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये हो रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉइंट का नेगेटिव मिलेगा और वाई कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलेगा. डाउट है किसी को बताइए, समझ में आया? ठीक है एंड स्टूडेंट वैसे अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या होगा देख लियो ऑब्जर्व करके. फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको पॉजिटिव मिलेगा पॉइंट का, बट यहाँ पे आप यहाँ पे बात करें वाई कोऑर्डिनेट की पॉइंट की तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है किसी को कोई डाउट है तो बताइए. नो मैम. ओके स्टूडेंट ध्यान दीजिए अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है हम बेसिकली उसको ऑर्डर्ड पेयर से बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के बताया है 1.2 तो आप ऐसा इसको रीड कर सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है तो ऑर्डर्ड पेयर 1.2 यहाँ पे मतलब एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 है और 2 यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट है. ध्यान दीजिए स्टूडेंट कोई भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं बेसिकली वो पॉइंट का डिस्टेंस बताते हैं. तो वापस से बता देती हूँ, अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1.2 तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आपने 1 बोला है मतलब वो पॉइंट का स्टूडेंट वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया 1 यूनिट. ठीक है अगर आप बोल रहे y कोऑर्डिनेट 2 है मतलब वो पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट 2 यूनिट, जिसे यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो. ठीक है किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए एवरीवन. ओके ठीक है अगर वेरी गुड स्टूडेंट अगर समझ में आ गया तो स्टूडेंट अभी हमें कुछ क्वेश्चन सोल्व करना है क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले आज के लेक्चर में सोल्विंग द 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड. तो ग्राफ बनाने वाले हैं तो देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन सामने है. ठीक है एक सेकंड किसी ने हैंड रेज किया है. ओके स्टूडेंट अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछ लीजिए, मुझे लगता है ये चीज आपने पढ़ा होगा. अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे बताइए. यस मैम. वेरी गुड. ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए अगर आपको बोला है कि आपको ये पॉइंट है. ठीक है मतलब आप बोल भी सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर है, बेसिकली पॉइंट है, पॉइंट को हम ऑर्डर्ड पेयर से लिख रहे हैं. ठीक है तो यहाँ पे आपको इन पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है जिसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट को हिंदी में निर्देशांक आप बोल रहे हैं और प्लेन को यहाँ पे आप इसको प्लेन को मुझे लगता है आप हिंदी में तल बोल रहे हैं. ठीक है समझ में आ रहा है? तो हिंदी में निर्देशांक तल हम बोल रहे हैं. तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इनको रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट प्लेन में. तो कर सकते हैं स्टूडेंट बताइए. एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलता है लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पे बनाने वाले हैं. ठीक है तो एक सेकंड में भी चेक कर लेती हूँ. एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, अपशा ने, बताइए अपशा प्लीज बताइए. ओके ठीक है स्टूडेंट तो ये पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करना है तो मैं यहाँ पे आपके सामने बना के दिखाने वाली हूँ. यहाँ पे तो मैं एक पेज ऐड कर लेती हूँ ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पे बनाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है. ठीक है हाथ से तो एक ओके ऐसा पेपर मैं यूज कर लेती हूँ. ठीक है तो स्टूडेंट क्या करना है, पहले तो 2 लाइन ड्रॉ करनी है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोल रहे हैं. ठीक है तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन भी हम बोलने वाले हैं. तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए. ठीक है तो देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं, और एग्जाम में तो आपको यहाँ पे ग्राफ पेपर मिलता है
ताकि कोई मिस्टेक ना हो. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाने का ट्राई करती हूँ. आप लोग बताइए सही दिख रहा है कि नहीं. एवरीवन दिख रहा है? यस मैम. सर ये जो स्क्वायर है ना, आपको पता है इसलिए लिया है मैंने ताकि ना कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि डिस्टेंस की बात करें मार्क करने वाले ना हम. यहाँ पे देखिए ये थोड़ा मैंने जूम किया है, ये आपको पता है ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोलते हैं हिंदी में, जिसको मूल बिंदु आप बोल रहे हैं, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके मीट कर रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं. ठीक है, और अभी स्टूडेंट मार्किंग कर लेते हैं नंबरिंग की. तो बताइए कैसे लूं यहाँ पे, क्या कौन कौन से पॉइंट दिखाने हैं आपको? काफी बड़े दिखाने हैं तो डिस्टेंस थोड़ा अच्छे से लेना पड़ेगा अपने को. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ. यहाँ पे नंबर वन, यहाँ पे टू, बताइए दिख रहे हैं? अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए. इक्वल डिस्टेंस पे आपको एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हम नंबर मार्क करें, जैसे आप नंबर लाइन पर करते थे वैसे सेम. ठीक है, तो देखिए 4, 5, 6, 7, 8 जितना आपको जरूरत है वैसा आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पे. स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस मैम. ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट आपको ये जो एक्स एक्सिस की बात करी हो, यहाँ पे मैंने नाम ही नहीं लिखा, लिखना जरूरी है. यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, वन सेकेंड, ये एक्स एक्सिस. ठीक है, यहाँ पे एक्स डैश मैंने लिखा है, ये वाई एक्सिस है. तो स्टूडेंट आपको पता रहेगा जो ओ वाई जो दिख रहा है आपको, वो वाले पोर्शन पे वाई की वैल्यू आपको क्या है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलेगी. नीचे की डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे मैं वाई डैश लिख देती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबरिंग यहाँ पे आपके लिए मार्क कर देती हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, और चाहे तो और भी मार्क कर लीजिए, 9. और यहाँ पे सेम यहाँ पे आपको नीचे भी करना है इधर, तो ये आपको पता है. ओके वन सेकेंड, ये जो नीचे मैंने और लिखा है इसको रिमूव कर देती हूँ. स्टूडेंट दिख रहे हैं ना? अगर किस दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताइए. ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर दे रही हूँ माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 3. इक्वल डिस्टेंस पे आपको मार्क करना है. यहाँ पे माइनस का 4, माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 6. ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 7, और यहाँ पे माइनस का 8. तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही हैंडराइटिंग आ रही है. अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए. यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में स्टूडेंट माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, एंड यहाँ पे माइनस 7. ठीक है, और भी आगे मार्क कर सकते हैं. स्टूडेंट समझ में आया? आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, आप चाहे तो नॉर्मल नोटबुक पे बना सकते हो. क्या करेंगे, आपने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस ड्रॉ करना है. आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मीट होते हैं उसको आप यहाँ पे बोलते हैं ओरिजिन. तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ. ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए. और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0. एवरीवन समझ में आया? यस मैम. तो स्टूडेंट अभी बताइए. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में कौन कौन से पॉइंट ड्रॉ करने के लिए बोला है आपको. पहला पॉइंट ए बोला है और इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 3, 5 है. ठीक है, तो स्टूडेंट कैसे जाएंगे बताइए. एवरीवन, तो यहाँ पे देखिए जो हमने ड्रॉ किया है, पहले तो आप ओरिजिन से चलेंगे. एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चलोगे स्टूडेंट? 3 डिस्टेंस, 3 यूनिट का. ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि आपको पता है जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है आपको स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए पॉइंट ए है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 3. 3 है मतलब पॉजिटिव है स्टूडेंट, मतलब आपको ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे राइट हैंड डायरेक्शन में चलना है. ठीक है, क्योंकि जैसे अभी बात करी थी हमने स्टूडेंट, यहाँ पे जो ड्रॉ करे आपको नंबरिंग भी दिख रहा होगा ना स्टूडेंट. एवरीवन एक बार वापिस से देख लीजिए, और जो ओरिजिन है अगर आप एक्स एक्सिस पे, अगर ओरिजिन से राइट साइड में जा रहे हो एक्स एक्सिस पे, तो आपको पॉजिटिव नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे. एवरीवन प्लीज बताइए. वेरी गुड. तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है जिस पॉइंट को आपको प्लॉट करना है उसके कोऑर्डिनेट कितना है? 3, 5 यहाँ पे बताया है. तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट है 5. तो मतलब कैसे करना है आपको देखिए. तो पहले तो आप ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर करेंगे स्टूडेंट? 3 यूनिट. 3 दूरी आप चलोगे 3 यूनिट्स का. उसके बाद स्टूडेंट क्योंकि आपको वाई कोऑर्डिनेट दिए है 5, तो यहाँ पे 3 पे पहुंचने के बाद स्टूडेंट आपको ऊपर वाली डायरेक्शन में जाना है. कितना डिस्टेंस चलना है? 5 यूनिट्स. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर बात की जाए तो मार्क करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा. ठीक है, पहले तो आपने ओरिजिन से चला है एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस? 3 यूनिट डिस्टेंस. ठीक है, दूरी इतनी तय करिए. फिर 3 पे आके स्टूडेंट आपको क्योंकि 5 यूनिट डिस्टेंस और कवर करना है ऊपर की डायरेक्शन में. तो यहाँ पे जो पॉइंट मैंने रेड कलर से दिखाया है स्टूडेंट, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 3, 5. समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? और ये पॉइंट का नाम इन्होंने दिया है आपकी टेक्स्ट यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करना है, ए से नाम दिया है. तो ये पॉइंट हो गया ए, जिसके कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 3, 5.
समझ में आया? यस मैम, यस मैम, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे अगर डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट बताइए कौन सा रिप्रेजेंट करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है बी, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट कितना दिए स्टूडेंट, 2, -4, मतलब x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट है -4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, x कोऑर्डिनेट कितना है 2, मतलब पहले तो आप यहाँ पे ओरिजिन से चलेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस चलोगे स्टूडेंट आप, 2 यूनिट, ठीक है। हाँ, 2 यूनिट चलोगे यहाँ पे, यहाँ पे 2 पे आके अभी क्या करना है, क्योंकि आपको y कोऑर्डिनेट कितना दिया था, देखिए आप यहाँ पे वापस से दिखा देती हूँ, y कोऑर्डिनेट दिया है -4, मतलब यहाँ पे अभी आपको नीचे की डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, कितना डिस्टेंस, 4 यूनिट, क्योंकि आपको -4 दिया है y कोऑर्डिनेट, और आपको पता है y कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव का बाहर है। देखिए यहाँ पे y एक्सिस की बात करें स्टूडेंट, ओरिजिन से नीचे की तरफ जब जा रहे हो तो आप ये नेगेटिव नंबर मार्क किए ना आपने, समझ में आ रहा है? Yes, तो स्टूडेंट बेसिकली अगर बात करी जाए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -4, तो यहाँ पे आपका आएगा, मैं रेड कलर से दिखा रही हूँ, अगर किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज बता दीजिए यहाँ पे। तो ये पॉइंट है जिसका नाम यहाँ पे बी दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट है 2, -4, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। कैसे किया हमने, पहले तो ओरिजिन से चले हैं एक्स एक्सिस पे, तो हमने डिस्टेंस कितना कवर किया स्टूडेंट, 2 यूनिट का, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 पे पहुंचने के बाद स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है वाई कोऑर्डिनेट कितना दिया है -4, तो नीचे की डायरेक्शन में आपको 4 यूनिट चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंच के आपको यहाँ पे बी पॉइंट मिलेगा, जो मैंने रेड कलर से डॉट से दिखाया है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमने डिस्टेंस की बात करी थी, तो ध्यान दीजिए जो आपको यहाँ पे पॉइंट दिया रहते हैं जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए एवरीवन, तो ये पॉइंट वापिस, जैसे पहला पॉइंट ए है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 3, 5, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 5 है, मतलब ये पॉइंट का स्टूडेंट मैं ग्रीन कलर से दिखाती हूँ, ये पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट जो है 3, इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है आपका स्टूडेंट कौन से एक्सिस से डिस्टेंस इसका 3 है, एवरीवन बताइए, अभी बताइए, एक्स एक्सिस से 3 है या वाई एक्सिस से, कंफ्यूज हो रहे आप लोग, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं वापस से दिखा देती हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट था, देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया भी हुआ है पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट 3, 5 है, तो स्टूडेंट ये पॉइंट का अगर आप डिस्टेंस बात कर रहे हैं, देखिए एक्स एक्सिस से डिस्टेंस की बात करें, तो मैं यहाँ पे कलर दिखा देती हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है, तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा, वन सेकेंड, ओके दूसरा कलर यूज करते हैं, यहाँ से इतना डिस्टेंस हो जाएगा, बताइए दिख रहे हैं आपको ग्रीन कलर से लाइन, तो ये डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट आपका, 5 यूनिट है, कंफ्यूज हो गया आप, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है इसके कोऑर्डिनेट जो बात करें, एक्स कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे 3 है, तो बेसिकली स्टूडेंट जो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका डिस्टेंस दिखा रहा है गिवन पॉइंट का, कहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट आपका डिस्टेंस दिखा रहे हैं वाई एक्सिस से, ठीक है, और जो यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट वो आपका डिस्टेंस दिखा रहा है कितना, वो पॉइंट का एक्स एक्सिस से, तो ये आपको पता है स्टूडेंट 5 है, देख लीजिए, समझ में आया, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। No, ma'am. नहीं समझ में आया, अच्छा समझ में नहीं आया कि डाउट नहीं है, रिपीट कर लेती हूँ मैं स्टूडेंट, देखिए कोई पॉइंट दिया रहेगा उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं एक्स कोऑर्डिनेट, तो क्या दिखा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट आपका दिखा रहा है वो पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे पॉइंट ए है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट का आपका वाई एक्सिस से डिस्टेंस है 3 यूनिट, ठीक है, और ये पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट 5 दिख रहा है, इसका मतलब है ये पॉइंट का आपका x-axis से डिस्टेंस है 5 यूनिट, ठीक है, समझ में आया, देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, ठीक है, अगर समझ में आ गया तो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे बाकी ये पॉइंट भी दिखाइए जल्दी से, क्योंकि टाइम अपने पास कम है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है सी जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -7, कहाँ पे होगा ये देखिए, आपको x कोऑर्डिनेट नेगेटिव मिल रहा है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, एवरीवन किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट है यहाँ पे -2, -7, तो देख लीजिए मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, एवरीवन देख लीजिए -2, आपको पता है एक्स एक्सिस पे अगर आप यहाँ पे जाओगे ओ से लेफ्ट साइड में, तो आपको यहाँ पे पता है एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव मिलेगा, और यहाँ पे स्टूडेंट आपको वाई एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस कवर करना है यहाँ पे
सेवन यूनिट्स का। तो यहाँ पे जो पॉइंट मैंने रेड कलर से मार्क किया है, तो यहाँ पे इसको नाम दिया है, मैं सी नाम दे देती हूँ, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जैसा आपको दिया है यहाँ पे -2.7। किसी को डाउट है तो बताइए। एवरीवन नो मैम नहीं समझ में आए तो प्लीज बता दीजिए। सबको मार्क करना आ रहा है, हिंदी मीडियम के बच्चे, बिंदु जिसको आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो निर्देशांक तल पे आप उसको मार्क कर पाओगे ना, दिखा पाओगे ना? यस मैम। देखिए नेक्स्ट वाला बताइए, कौन बताएगा मुझे? बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -3.-4, तो कौन से कोऑर्डिनेट में होगा? एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई थर्ड में। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए जो हमने बनाया है उसमें हमें दिखा दें -3.-4 है, तो यहाँ पे कुछ मिलेगा, देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ इसको, इसका नाम आपने डी दिया हुआ है, -3, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ पे -4। ठीक है, एंड स्टूडेंट कंफ्यूज मत होइए कि आप यहाँ पे बोलेंगे मैम नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें, और आपको पता डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। तो जैसे अगर कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो -3 था, तो आपने जैसे डेफिनेशन बताई थी उसके हिसाब से यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताता है स्टूडेंट, तो डिस्टेंस तो नॉन नेगेटिव लेते हैं ना स्टूडेंट, आपको पता है ना? तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस आपका कितना हो गया स्टूडेंट? 3 यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव लेते हैं। सिर्फ ये जो साइन लग रहा है आगे माइनस का साइन, ये बेसिकली आपको डायरेक्शन बताने कि आपको कहाँ पे जाना है। एवरीवन समझ में आया कि नहीं? यस मैम। वेरी गुड। तो नेक्स्ट वाला बताइए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपके पास? पॉइंट है ई जिसके कोऑर्डिनेट है 0.-5। ठीक है, 0.-5 का होगा, बताइए आपको पता है यहाँ पे? देखिए 0, तो यहाँ पे फ्रेंड 0 बताया है, मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट कितना है? -5। तो ये देखिए कहाँ पे होगा, तो ये आपको y एक्सिस पे मिलेगा 0.-5। यहाँ पे मैं रेड कलर से दिखा देती हूँ, ये दिख रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, जिसको नहीं दिख रहा वो बड़ा सा यहाँ पे है पॉइंट ई जिसके कोऑर्डिनेट 0.5। ठीक है, एक बार चेक कर लेती हूँ, मैंने सही बनाया है? ओके, यहाँ पे मिस्टेक मेरा हुआ स्टूडेंट, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे मैंने जिस पॉइंट को दिखाया उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0.5 है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 0.-5 की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे। ओके, तो मैं इसको बैक करके वापिस से आपको दिखा देती हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको पता है वाई एक्सिस से क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपका जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी 0 हो रही है। ठीक है, ये चीज भी अभी मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पे ओरिजिन पे मीट कर रहे हैं, और ये चीज मुझे लगता है सबको पता होगा स्टूडेंट, y एक्सिस से x की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। मतलब यहाँ पे अगर y एक्सिस की बात करें स्टूडेंट, तो x कोऑर्डिनेट आपका 0 होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस पॉइंट की बात करें जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट कितना दिया है -5, तो आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, ये वाला जो मैं अभी रेड कलर से दिखाया स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है तो बता दीजिए। तो ये पॉइंट होगा आपका ई जिसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 0.-5। ठीक है, मतलब क्या किया आपने स्टूडेंट, वाई एक्सिस पे ही चल रहे और यहाँ पे ओ से नीचे आप 5 यूनिट डिस्टेंस आपने कवर किया है। एवरीवन समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका पॉइंट? yes, है एफ दिखाना है जिसके कोऑर्डिनेट है 5.0। ठीक है, मतलब x कोऑर्डिनेट है 5 आपका स्टूडेंट, देख लीजिए x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट कितना है 0। ठीक है, तो मतलब क्या है, आपने ओरिजिन से चले हैं पहले x एक्सिस पे यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे देखिए इतना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक। तो बेसिकली ये जो मैं आपको कौन से कलर से दिखाऊं, ओके ग्रीन से दिखा देती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट देखिए। एवरीवन समझ में आ रहा है? yes, तो ये जो पॉइंट है, yes, ये पॉइंट का क्या नाम दिया था यहाँ पे, आई थिंक एफ दिया हुआ है ना, F नाम दिया है आपको। yes, और इसके कोऑर्डिनेट है 5.0। एंड स्टूडेंट जिस डेफिनेशन की मैंने बात करी यहाँ पे पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 5.0, इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट कितना है स्टूडेंट 5 है। ठीक है, और जो डेफिनेशन की बात की जाए तो स्टूडेंट उसके हिसाब से क्या है, ये पॉइंट का आपका y एक्सिस से डिस्टेंस 5 यूनिट हो रहा है कि नहीं, देख सकते हो आप यहाँ पे, मैं ग्रीन कलर से भी दिखा देती हूँ यहाँ पे। एवरीवन देखिए ये डिस्टेंस देखिए कितना है, 5 यूनिट की हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे ठीक है, ये जो पॉइंट की बात करें और ये देखिए, क्योंकि जो ये पॉइंट है ये खुद आपको पता है x एक्सिस पे है, तो इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, 0 ही होगा ना स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। देखो वापस से मैं जूम आउट कर देती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने जो पॉइंट है उनको यहाँ पे एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं, वहां पे रिप्रेजेंट किया। किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, समझ में आया? Yes, yes,
ओके यहाँ पे मुझे लगता है जूम करके दिख रहा है आपको अभी भी, ओके शायद दिख रहा होगा स्टूडेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करना रहे आपको, यहाँ पे आपको दिखाना है पॉइंट को प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे, तो आप ग्राफ पेपर की हेल्प लीजिए, ठीक है। ग्राफ पेपर से मिस्टेक होने का कम चांस रहता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप मार्किंग अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। एवरीवन समझ में आया? यस मैम, वेरी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सेकेंड, यहाँ पे देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको ये पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, मतलब यहाँ पे जिस प्लेन की हम बात कर रहे थे उसी पे करना है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस लेना है आपको, वाई एक्सिस लेना है, और फिर यहाँ पे आपको दिखाना है कि ये जो पॉइंट की बात कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे स्टूडेंट, एवरीवन? यस मैम। और यहाँ पे ऑब्जर्व करके, कुछ बच्चे नो बोले, डोंट वरी, मैं आपके सामने दिखाने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो यहाँ पे जो पॉइंट है इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमें दिखाने वाले हैं, मतलब एक्स वाई प्लेन पे दिखाने वाले हैं, ठीक है। ए और बी दिखाया हुआ है और आपको ऑब्जर्व करके बताना है कि क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग वाला ए पार्ट आपको करके दिखा रही, देखिए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं पेपर ये ले रही, ठीक है। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। सो एवरीवन, तो क्या करेंगे, पहले तो आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कौन सा, ओके, ब्लैक कलर यहाँ पे ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। दिख रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे, ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। नहीं दिख रहा है क्या? एक सेकेंड, तो दिक्कत आ रही है। ओके तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये आपका, मैं मार्क करती हूँ, जो नीचे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, यहाँ पे ओ लिखेंगे, और ओके यहाँ पे मुझे लगता है दिख ही नहीं रहा आपको, वन सेकेंड स्टूडेंट, अगर नहीं दिख रहा रहेगा तो प्लीज बताइए, मैं यहाँ पे मार्किंग अच्छे से कर देती हूँ। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है आपका, यहाँ पे आप ओ लिखते हैं जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, यहाँ पे एक्स डैश, और जो वर्टिकल लाइन है ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे वाई डैश, ठीक है। एवरीवन, किसी को डाउट है इसमें बताइए। उसको दिखाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, वन मार्किंग कर रही हूँ मैं, एक्स एक्सिस पे जा रही हूँ, वन टू थ्री, इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे नंबर आपको मार्क कर रही हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे सेवन एट नाइन, ठीक है, और भी आगे कर सकते हैं। अभी अगर मैं ओ से लेफ्ट डायरेक्शन में जाऊँ एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे आप, यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, क्योंकि माइनस साइन बेसिकली यही रिप्रेजेंट करे कि उसका डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड है ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का फोर, यहाँ पे माइनस का फाइव, यहाँ पे माइनस का सिक्स, यहाँ पे माइनस का सेवन, सेम वे स्टूडेंट यहाँ पे वाई एक्सिस पे आप करेंगे नंबरिंग, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे फाइव, यहाँ पे सिक्स, सेवन, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप कर सकते हैं स्टूडेंट। नीचे भी डायरेक्शन में देखिए, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, और यहाँ पे माइनस फाइव, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? जो पॉइंट की बात कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, अप्सा ने, अप्सा बताइए। हाँ अप्सा, नहीं समझ में आ रहा है बताइए, यहाँ पे अगर कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट है इसको कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसको हम यहाँ पे बात करें एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या कार्टेशियन प्लेन भी हम इसको बोलते हैं, उस पर हम रिप्रेजेंट करें। और प्लेन बेसिकली आपका फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है, तो टू डायमेंशनल आप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने क्या लिया है, एक्स एक्सिस लिया है, वाई एक्सिस लिया है, ये है क्या, बेसिकली दो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है जो परपेंडिकुलर है ईच अदर, ठीक है, और वो दोनों लाइन यहाँ पे ओरिजिन पे मीट कर रही है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको हमने एक्स एक्सिस बोला है, और जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस बोला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो पॉइंट है बेसिकली अगर आपको लोकेट करना है, दिखाना है, तो बेसिकली वो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट रहते हैं वो आपका बताता है कि वो पॉइंट का डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बात करी थी स्टूडेंट, जो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली क्या बता रहे हैं, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है पॉइंट का, और जो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट वो क्या बता रहे हैं, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। तो ये वाले पॉइंट मुझे लगता है दिखा पाओगे स्टूडेंट, पहले वाला पॉइंट का जिसके कोऑर्डिनेट बताया है यहाँ पे माइनस टू कॉमा माइनस थ्री, तो एग्री करेंगे स्टूडेंट ये कहाँ पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, देखिए माइनस टू कॉमा माइनस थ्री,
ठीक है। तो पहले तो आप ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे माइनस टू, यहाँ पे क्या है माइनस टू आपको देखना पड़ेगा, आपको दिख रहा है। अगर आप ओरिजिन से चलेंगे कितना डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे टू यूनिट डिस्टेंस लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, तो आपको माइनस टू मिलेगा। अभी माइनस टू से स्टूडेंट आपको नीचे की तरफ आपको आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, माइनस थ्री दिख रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे कितना डिस्टेंस करना ट्रेवल करना पड़ेगा, थ्री यूनिट, बट नीचे वाले डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट मिलेगा, वन सेकेंड यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपका डाउट ले रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पॉइंट आपको मिलेगा उसके कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे माइनस टू कॉमा माइनस थ्री। किसी को डाउट है प्लीज बताइए, नहीं समझ में आया तो मैं वापस से बता देती हूँ। ठीक है, मैम आ गया मैम। वेरी गुड, तो माइनस टू कॉमा माइनस थ्री ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। वैसे स्टूडेंट अगर आपको आगे वाले जो पॉइंट है वो भी रिप्रेजेंट करने के लिए बोले तो दिखा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, माइनस वन माइनस थ्री, माइनस वन यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है और क्या है माइनस थ्री यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो माइनस वन कॉमा माइनस थ्री की बात करें तो यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है एवरीवन, तो यहाँ पे मैं कौन सा कलर, ग्रीन कलर यूज कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए दिख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन मैं आपको दिखाने का ट्राई कर रही हूँ, कोई भी पॉइंट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो दिखा पाएंगे आप। एवरीवन, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। और नेक्स्ट देखिए, सिर्फ मैं यहाँ पे कलर से दिखाती हूँ आपको अच्छे से, सॉल्यूशन में फिर बाद में भेजती हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिए हैं जीरो कॉमा माइनस थ्री, ठीक है, जीरो कॉमा माइनस थ्री दिया है यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है माइनस थ्री। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ में आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और वाई कोऑर्डिनेट कितना है माइनस थ्री। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है स्टूडेंट, जीरो और वाई कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो माइनस थ्री है, तो मतलब कहाँ पे होगा? एवरीवन, ये वाला होगा। देखिए मैं कौन सा कलर यूज करूँ, रेड कलर से दिखा देती हूँ। ये वाई एक्सिस पे मिलेगा क्योंकि आपको पता है वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी होती है आपकी यहाँ पे, जीरो। एवरीवन समझ में आ रहा है जो मैं अभी दिखाया है? Yes, ma'am. ठीक है, अगर आपको बोले क्योंकि यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, तो जो मैंने रेड कलर से जो डॉट दिखाया है बेसिकली ये वो पॉइंट की कोऑर्डिनेट है। ठीक है, जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा जीरो और वाई कोऑर्डिनेट माइनस थ्री। अच्छा, एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, बताइए नितिका। मैम दोनों के आंसर आगे मैम। आगे, वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट वाला भी बात की जाए, देखिए जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है टू कॉमा माइनस थ्री, तो वो कहाँ पे होगा मैं दिखा देती हूँ आपको, टू कॉमा माइनस थ्री। ठीक है, तो टू कॉमा माइनस थ्री यहाँ पे कुछ मिलेगा, देखिए मैं अभी ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, दिख रहा है आपको एवरीवन? हाँ, तो अभी स्टूडेंट यहाँ पे उन्होंने बोला था इसको रिप्रेजेंट करना है और फिर आपको बताना अपनी ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान देंगे कि ये जो भी मैंने पॉइंट अभी जो यहाँ पे ग्रीन कलर और रेड कलर से दिखाया है, अगर आप चाहो तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो इससे पास होते हुए, कर सकते हो ना स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि सारे पॉइंट आपको एक ही लाइन में लग रहे हैं। देखिए ध्यान समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, सब में हो क्या रहा है, सब में वाई कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे माइनस थ्री दिख रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? yes, तो यही चीज आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है जितने भी आप बता रहे हो वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, वो पॉइंट वो लाइन की बात करें, वो लाइन की इक्वेशन स्टूडेंट आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं y is equal to minus 3। जैसे यहाँ पे देखिए मैं अभी दिखा देती हूँ आपके लिए ड्रॉ करके, यहाँ पे वन सेकेंड रेड कलर से दिखा देती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट। देखिए अगर मैं ऐसा कुछ लाइन ड्रॉ करूं, ये जितने भी पॉइंट आपने रिप्रेजेंट करे थे उनसे सबसे पास हो रही है और यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बेसिकली बात करें तो ये आपका जो लाइन आपने ड्रॉ किया है अभी मैं करके दिखाई, ये बेसिकली आपका क्या है y is equal to minus 3। ये वाली लाइन पे स्टूडेंट हमेशा y की वैल्यू आपको माइनस थ्री मिल रही है। ठीक है समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, वैसे ही आप सेकंड वाला कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ। अगर आपको कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए बोले तो आप कोऑर्डिनेट प्लेन में दिखा पाएंगे। करना है और आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन पे तो आप बता पाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड वाला बी वाले पार्ट में अगर ध्यान देंगे स्टूडेंट, एक्स कोऑर्डिनेट फाइव दिख रहा है, देख लीजिए अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट फाइव दिख रहा है, मतलब कि ये जितने भी पॉइंट है वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट फाइव है, तो ये पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से एक्स वाई प्लेन में तो आप बोलेंगे कि ये सारे जो पॉइंट है जो लाइन है वो बेसिकली एक्स इक्वल टू फाइव के ऊपर लाई कर रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हमेशा आपने आई एम सॉरी यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट है भी वहाँ पे x कोऑर्डिनेट 5 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा स्टूडेंट आपको 5 दिख रही है। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस मतलब yes. अगर वो लाइन की इक्वेशन की बात करें तो वो लाइन की इक्वेशन आपकी होगी स्टूडेंट x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 है वो लाइन के ऊपर ये सारे पॉइंट जो बी में आपको दिए हुए हैं बी सेक्शन में ये वाले रहेंगे, तो आपको ड्रॉ करना है आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने नोट में कुछ करके आपको बताया है कि y कोऑर्डिनेट पे जो भी पॉइंट रहेंगे तो यहाँ पे द y कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज 0। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? मतलब अगर आप x एक्सिस पे बात कर रहे हो तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, सो x एक्सिस को हम ऐसा भी डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू 0। एवरीवन किसी को डाउट है बताइए? नो मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर आपने x एक्सिस पे कोई पॉइंट मिल रहा है तो मतलब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है आपका? 0 है। ठीक है, और यहाँ पे तो उसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं y इज इक्वल टू 0। वैसे स्टूडेंट अगर आप बात करेंगे y एक्सिस पे क्या होगा पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बताया है x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज 0, तो बेसिकली आप ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या है y एक्सिस को आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर इक्वेशन लिखनी हो आपको y एक्सिस की तो आप कैसा लिखोगे? x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, अभी थोड़े से क्वेश्चन हमें करने फटाफट देते हैं यहाँ पे। तो पहले तो आपको ग्राफ यहाँ पे बनाना आना चाहिए, मतलब अगर मैं स्टूडेंट को इक्वेशन दिए आपको दिख रहा है स्क्रीन पे y is equal to 3x, everyone? टेबल बनानी पड़ेगी, मतलब कौन कौन से पॉइंट है या कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे। ठीक है, वाई इज इक्वल टू 3x एक इक्वेशन है, तो स्टूडेंट आपको बताना है एक्स की और वाई की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए मैं टेबल बना के दिखा देती हूँ आपके लिए यहाँ पे, वो उसकी हेल्प से आप यहाँ पे इजिली कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, एंड ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोला है, y is equal to 3x where r is the replacement set for both x and y, मतलब आप x और y की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट रियल नंबर को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, प्लीज बताइए। मैम इस जो इक्वेशन है मैम y = 3x मैम, इनमें मैम पहले x की वैल्यू हम मैम 0 पुट कर सकते हैं मैम, उसके बाद x की वैल्यू 1 मैम, फिर y की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपको क्या है, वेरी गुड, यहाँ पे तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए जो y = 3x दिए ना ये इक्वेशन है, तो बेसिकली किसकी इक्वेशन? एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो वो लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे अभी हम बात करते हैं। वेरी गुड, स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। तो स्टूडेंट हम x की अलग अलग वैल्यू लेंगे, वैसे ही आपको y की अलग अलग वैल्यू मिलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाने का ट्राई करती हूँ, आप लोग बताइए आपको दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, उससे हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए मैं तो बेसिकली अगर आपको लाइन के ऊपर 2 या 3 कोई भी पॉइंट यहाँ पे अगर आप पता कर सकते हैं ना, और वो पॉइंट को ज्वाइन करके आप एक लाइन बनाओगे, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे बेसिकली आपका वो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 3x। तो अगर बेसिकली स्टूडेंट अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो 2 पॉइंट अगर आपको पता चल गए ना तो भी आप लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है एवरीवन? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार मैं टेबल पूरा करती हूँ यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे 1 सेकेंड। ठीक है, मुझे लगता है दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। तो स्टूडेंट क्या है आपको जो दिया हुआ है कंप्लीट करते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका y इज इक्वल टू 3x यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे। सो पहले हमें x की, आपको पता है x और y यहाँ पे रियल नंबर आपको लेना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम जो टेबल की बात करें तो टेबल में कैसा कर सकते हैं यहाँ पे? ओके, ऐसा बना लेते हैं हम लोग। दिख रहे हैं ना स्टूडेंट, एक बार बताइए। यस मैम। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ पे टेबल। तो आपकी मर्जी है, x की 2-3 वैल्यू कुछ ले लीजिए यहाँ पे, करस्पोंडिंग आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब आपको वो पॉइंट मिल जाएंगे जिसका x कोऑर्डिनेट पता है और y कोऑर्डिनेट पता है, जिसको आप बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लेके दिखा देती हूँ आपके लिए। जैसे स्टूडेंट ऊपर मैंने लिख दिया x, ठीक है, और आपको पता है x की कुछ वैल्यू मैं लूंगी रियल वैल्यू, और यहाँ पे y आपको पता है किसके बराबर दिए है। ओके एक सेकेंड, क्या आ रहा है यहाँ पे, किसको मिस्टेक हुआ है? ओके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे x और यहाँ पे y, और y आपको पता है 3x के बराबर है।
ठीक है, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था, क्योंकि आपको बताने स्टूडेंट एक्स और वाई यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है, तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट एक्स की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं आप। कुछ बच्चे ने बोला कि जीरो से स्टार्ट कर लेते मैम, ले लेते कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे तो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अगर जैसे मैंने स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स की वैल्यू मैंने माइनस वन ले ली, तो वाई की वैल्यू क्या होगी बताइए आप, एवरी वन माइनस थ्री, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर आपने एक्स की वैल्यू माइनस वन ली है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस थ्री। तो स्टूडेंट अभी जैसे एक ने बताया जीरो ले लीजिए, अगर एक्स की वैल्यू जीरो ली तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे, जीरो, जीरो। अगर मैंने एक्स की वैल्यू वन ले ली है स्टूडेंट तो वाई यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री, वेरी गुड। तो आप वो चाहे तो और नेगेटिव भी ले सकते, पॉजिटिव लेना चाहे तो पॉजिटिव ले लीजिए। क्या आपने तीन पॉइंट ड्रॉ कर ले लिए, देखिए बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे, तो बेसिकली देखो आपने एक्स की अलग अलग वैल्यू ली, वाई की वैल्यू अलग अलग मिली, तो आपको पॉइंट कौन से मिलेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे लिख के दिखा रहे हो, माइनस वन कोमा माइनस थ्री, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गया, आप ये बोल सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर हो गया, माइनस वन कोमा माइनस थ्री। नेक्स्ट कौन सा हो गया स्टूडेंट आपके पास, जीरो कोमा जीरो, नेक्स्ट जो आपके पास हो गया वन कोमा थ्री, और चाहे तो और ले लीजिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, और अगर आपको लेना स्टूडेंट जैसे अगर एक्स की वैल्यू टू ले ली तो वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे, सिक्स, वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो ऑर्डर पेयर है या पॉइंट बोल सकते हैं जिसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 2, 6, तो अभी क्या करेंगे आप बताइए, ये जो चारों पॉइंट जो अभी अभी आपको मिल रहे हैं ऑर्डर पेयर आप बोल सकते हैं, उनको अभी एक्स वाई प्लेन पे दिखाएंगे, और जो चारों पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है ना स्टूडेंट, वो आपकी ये रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। मैं दिखा देती हूँ आपको, यस मैम, मैं आपके लिए अभी फटाफट करके दिखा रही हूँ स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एंड यहाँ पे वन सेकेंड, ओके रेड कलर का यूज कर लेते हैं अभी हम, ओके तो यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमें बनाना है, ओके अच्छे से नहीं बना है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ओके देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट यहाँ पे, मैं यहाँ पे ओके यहाँ पे देखिए हम इसको एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन आपका आएगा, यहाँ पे एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है आपका वर्टिकल लाइन जो है, ठीक है, ये वाई डैश, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे अभी नंबरिंग आपको करना है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ आपके लिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, माइनस का फोर, माइनस का फाइव, अच्छे अच्छे से लिखिए इनको, माइनस का सिक्स वाई एक्सिस पे, देखिए अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस साइन आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, और यहाँ पे देखिए नीचे के डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, माइनस का फोर, माइनस का फाइव, ऐसे आप आगे आगे लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं अभी ट्राई कर रही हूँ आपको अच्छे से दिखाऊं यहाँ पे, एवरी वन समझ में आ रहा है, यस मैम, यस मैम, ओके। अभी जो आपने x की वैल्यू ली है और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही है, तो ये इसको आप लिखोगे तो बेसिकली आपको पॉइंट मिल गया जिसका x कोऑर्डिनेट, देखिए पहले वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस वन कोमा माइनस थ्री, ठीक है। तो माइनस वन कोमा माइनस थ्री अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है तो कहाँ पे होगा, माइनस वन कोमा माइनस थ्री, मैं ग्रीन कलर से दिखाती हूँ, यहाँ पे होगा, ठीक है, देख लीजिए आप, माइनस वन कोमा माइनस थ्री, मतलब ये पॉइंट का, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे पहले तो आपने क्या किया, ओरिजिन से आप क्या स्टूडेंट एक्स एक्सिस पे चले हैं, वन यूनिट डिस्टेंस आपने कवर किया है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, तो आपको मिला माइनस वन। अभी माइनस वन से स्टूडेंट आप नीचे की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, तीन यूनिट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो मतलब नीचे की डायरेक्शन में आपको चल रहा है। तो ये जो ग्रीन कलर से दिखाया स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपका क्या है, यहाँ पे माइनस वन कोमा माइनस थ्री। वैसे स्टूडेंट अभी जीरो कोमा जीरो आपको पता है कहाँ पे है, आपको पता है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट कर रहे हैं वो जीरो कोमा जीरो है, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। किसी को डाउट है तो बता दीजिए, वेरी गुड स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपने क्या लिया है यहाँ पे, वन कोमा थ्री, जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है वन कोमा थ्री, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वन है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है थ्री, तो वन कोमा थ्री की बात करें तो यहाँ पे मिलेगा आपको, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, वन कॉमा थ्री, एक्स कोऑर्डिनेट वन है और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया थ्री। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो आपने लिया था टू कॉमा सिक्स आर, एक्स कोऑर्डिनेट टू है वाई कोऑर्डिनेट सिक्स है, तो कहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ पे आएगा, ऊपर मैंने दिखाया नहीं है लेकिन यहाँ पे हो जाएगा आपका,
ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपके लिए मैं यहाँ पे नंबर 6 लिख देती हूँ, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज बताइए। एवरीवन आया? यस मैम। क्वेश्चन क्या करना है? yes, आपको जो इक्वेशन दी थी वो एक लाइन की इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो ये जो पॉइंट है ना, तो इन चारों पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए यहाँ पे, तो आपको ध्यान देना है कि चारों पॉइंट से पास हो, क्योंकि आपने चार पॉइंट लिए हैं, एक्स की चार वैल्यू ली है तो करस्पॉन्डिंग आपको वाई की चार वैल्यू मिली। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने का ट्राई करती हूँ, कौन सा कलर यूज करूँ? ब्लैक कलर यूज करती हूँ। ठीक है, एंड वन सेकेंड, अच्छे से बनना चाहिए डायग्राम। ओके, नहीं बना है अभी तक, क्योंकि आप तो एग्जाम में क्या स्केल की हेल्प से करने वाले हो ना स्टूडेंट। ठीक है, अभी तक नहीं बना है, उसको मूव करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ अभी आपके लिए स्टूडेंट, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा हो डायग्राम, नहीं अभी भी अच्छे से नहीं आया है। वन सेकेंड, अभी दिख रहा है? बताइए, थोड़ा सा लाइन अच्छे से नहीं आया, लेकिन आप एग्जाम में क्या करेंगे स्टूडेंट, स्केल और पेंसिल लेने वाले हैं, तो आप लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे जो आपके जितने भी आपने पॉइंट लिए हैं या ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं उससे पास हो। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो ये लाइन है, इसका इक्वेशन आपका क्या हुआ है? वन सेकेंड, ये लाइन का इक्वेशन आपको क्या है? y इज इक्वल टू 3x। समझ में आया? किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। नो मैम। स्टूडेंट ये क्यों कराया है? क्योंकि ग्राफिकल मेथड की बात करें तो एक बार मैं फटाफट बता देती हूँ स्टूडेंट, पहले तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, अगर कोई इक्वेशन दी हुई है, देखिए वहां पे क्वेश्चन में ये था, ठीक है, एक इक्वेशन दी हुई थी, आपको पता है y इज इक्वल टू 3x, तो आपने x की अलग अलग रियल वैल्यू ली है, y की वैल्यू मिली है, तो स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली ये इक्वेशन को आपने ग्राफ पे दिखाया है कि ऐसे रिप्रेजेंट करते एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अभी स्टूडेंट अगर ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात करें हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का, तो बेसिकली क्या है, आपको देखिए स्टूडेंट पहले ये वाली, ओके कौन सा, मैं रेड कलर से दिखाती हूँ, तो पहले जो आपको इक्वेशन मिल रही है x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, तो स्टूडेंट सेम ऐसे ही टेबल बनाएंगे, ठीक है, x की कुछ वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू आपको करस्पॉन्डिंग मिलेगी यहाँ पे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ठीक है, तो आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, फिर वैसे ही आप दूसरा वाला जो इक्वेशन दिया है वह है, वहां से एक लाइन ड्रॉ करने वाले हो। ठीक है, अगर स्टूडेंट दोनों लाइन कोई पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है, वो पॉइंट जो है जहाँ पे दोनों लाइन आपकी मीट कर रही है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बेसिकली जहाँ पे जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपका जो मिलेगा ना, वो बेसिकली ये सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन का। स्टूडेंट मैं फटाफट करके दिखा रही हूँ एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो फटाफट जैसे स्टूडेंट एकदम इजी वे में मैं करके बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, पहली वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे तो दो वैल्यू मैं ले लेती हूँ आपके लिए, ताकि यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर पाऊँ। एवरीवन समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, देखिए यहाँ पे मैं फटाफट करके बता देती हूँ, तो पहले वाला जो लाइन है x प्लस 4y is equal to 2, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, बेसिकली इक्वेशन दिया है स्टूडेंट, तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ पे तो एक लाइन मिलने वाली, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल से मैं बना के दिखा रही हूँ रफली, x की वैल्यू आप कुछ लेंगे, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, एवरीवन कैसे मिलेगी, क्योंकि आपको पता है x प्लस 4y बराबर दिया है 2 के बराबर, तो यहाँ से आप कैसा लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिखेंगे क्या है, 4y आपका बराबर हो गया 2 माइनस x के, ठीक, और y क्या हो गया स्टूडेंट आपका 2 माइनस एक्स अपॉन 4 के बराबर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। कोई भी दो वैल्यू दो वैल्यू लेने के दिखा देते हैं, एक नेगेटिव ले लेते हैं, एक पॉजिटिव ले लेते हैं, आपको चाहिए तो जीरो वाला भी ले लेते हैं आपके लिए यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सॉल्यूशन में भेजने वाली हूँ, लेकिन समझ में आना जरूरी है। ठीक है, स्टूडेंट जैसे अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू ले ली है, यहाँ पे देखिए x प्लस 4y 2 के बराबर आ रहे हैं, और x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए, हिंदी में वास्तविक संख्या आप बोल रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू लेके दिखाऊं, एक देखिए जैसे अगर आपने ले लिया माइनस 1, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देख लीजिए y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 माइनस ऑफ माइनस 1, और नीचे डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया? या एक काम करते हैं, आपको अगर फ्रैक्शन नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में दिक्कत हो जाती है, तो एक काम करती है, जो मैंने माइनस 1 लिखा है उसकी जगह मैं माइनस 2 ले लेती हूँ। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? माइनस 2 इसलिए लिया ताकि आपको y की वैल्यू निकालने में दिक्कत ना हो। अगर मैंने x की वैल्यू माइनस 2 ली है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए y की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस ऑफ माइनस 2, मतलब 2 प्लस 2, मतलब 4 अपॉन 4, मतलब यहाँ पे 1 हो गई। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। वैसे अगर स्टूडेंट अगर आपने x की वैल्यू कितनी 0 ली, वेरी गुड, अगर x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, यहाँ से y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 0 अपॉन 4, मतलब यहाँ पे 1/2 हो जाएगी। एवरीवन
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम आउट ऑफ टाइम चल रहे हैं इसलिए मैं फटाफट आपको बता रही हूँ। तो स्टूडेंट जो पहला वाला जो इक्वेशन दिया है तो आपने क्या करना है, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही हमें क्या करना है स्टूडेंट, उसको रिप्रेजेंट करना है। दो कोई भी पॉइंट ले लीजिए, एक्स की कुछ वैल्यू लेंगे, करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आएगी। तो जो ऑर्डर्ड पेयर आपको ग्राफ पे दिखाना है बेसिकली वो पॉइंट को दिखाना है, और जो पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन मिलेगी उसका इक्वेशन आपको दिया है वो एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टू। ठीक है, वैसे ही दूसरा वाला आप ड्रॉ करोगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो आप जैसे मैंने दो पॉइंट लेके दिखाया है एक और लेके दिखा देती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। ओके ये हो गया, कोई पॉजिटिव वैल्यू और बताइए मुझे एक्स की कौन सी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। अगर मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे ले ली है टू, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, वाई की वैल्यू टू माइनस टू अपॉन फोर हो गया जीरो एवरीवन। ठीक है स्टूडेंट, मुझे पता है आउट ऑफ टाइम चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तीन पॉइंट आपने ले लिए हैं। अभी एक्स वाई प्लेन पे स्टूडेंट ये तीनों पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करोगे और तीनों पॉइंट से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है यहाँ पे एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टू। ठीक है, वैसे स्टूडेंट जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है उसी को भी स्टूडेंट आप ऐसा टेबल बना के आप x की कुछ वैल्यू लेंगे, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी, उसको भी आप ग्राफ के दिखाने वाले हो। तो स्टूडेंट अभी जो दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मीट करेगी वो पॉइंट को यहाँ पे हम क्या बोलने वाले स्टूडेंट, यहाँ पे वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो यहाँ पे कहलाएगा ये पॉइंट का सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ अभी रफली स्टूडेंट, देखिए अभी रफली में यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी अभी जस्ट रफली, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो स्टूडेंट देखिए सपोज ये आपको x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस है। ठीक है, अभी अभी मैं रेड कलर से दिखा देती हूँ, जैसे सपोज आपका पहली वाली लाइन है कुछ ऐसा आया, ठीक है टेंशन मत लीजिए अभी हम एग्जैक्टली ड्रॉ करने वाले, सपोज ऐसा लाइन आया और दूसरी वाली लाइन स्टूडेंट कुछ आपकी ऐसी आई जो मैंने अभी ग्रीन कलर से दिखाया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये दोनों लाइन कहाँ पे मीट कर रही है वो ये मैं ब्लू कलर से दिखा देती हूँ ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे ना, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 3.4। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 है ये गिवन इक्वेशन का स्टूडेंट आपका क्या है सॉल्यूशन है। समझ में आया। अभी स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो दोनों लाइन ड्रॉ करी है वो कभी मिली ना करे, मिली नहीं रही है कहीं पे, तो वो वाले केस में स्टूडेंट क्या होगा आपके लाइन जो भी दो इक्वेशन दी रहेंगी उसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ऐसा हो सकता है ना स्टूडेंट, क्योंकि आपने दो लाइन ड्रॉ करी वो कहीं पे मिली नहीं रही है, मतलब वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, तो वो वाले केस में स्टूडेंट उनका कॉमन सॉल्यूशन नहीं रहेगा। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, एवरीवन मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, लेकिन अभी के लिए जस्ट आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट। यस मैम। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको भेजने वाली हूँ, अभी के लिए आज इतना ही स्टॉप करते हैं और बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिए हैं प्लीज ट्राई करना, अगर डाउट रहेगा तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट यहाँ पे, और मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ, और डाउट रहेगा तो प्लीज आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछिए। ठीक है, वन सेकेंड। यस।